हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं, वो है वोकैबुलरी को बेटर करने के लिए। जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं या जब भी आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो, उसकी अच्छाई के बारे में बात करना चाहते हो, तो यूजुअली वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अब सही वर्ड्स कौन कौन से हैं जो किसी की पर्सनैलिटी को बता सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पावरफुल पांच वर्ड्स हैं, उसके बाद पांच वर्ड्स और बताऊंगा आपको, राइट? फर्स्ट वर्ड जो है वो है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, राइट? एक आशावादी आदमी जो है ना, वो जितनी भी नेगेटिविटी वर्ल्ड में होती है ना, उसको पॉजिटिव तरीके से देखता है, राइट? जैसे कि एक मैनेजर को बताया गया कि आप एक काम करिए, बांग्लादेश जाइए और जाकर देखिए कि लोगों के पाँव में जूते हैं या नहीं है, क्योंकि हमारी फैक्ट्री है, उसमें हम आपको मैनेजर बनाएंगे, पहले ये रिसर्च करके आइए। द मैनेजर केम बैक, उसने कहा जी वहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, तो इसलिए कोई स्कोप भी नहीं है, तो इसलिए जूते नहीं बिकेंगे। उन्होंने एक और मैनेजर अपॉइंट किया, उसको भी बांग्लादेश भेजा और उससे फीडबैक लिया, तो उसने कहा कि सर वहां कोई भी जूते नहीं पहनता, इसलिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा स्कोप है सर हमारे लिए। तो उसको बोलते हैं आशावादी, राइट? और वो वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, राइट? सेकंड वर्ड दोस्तों है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अब आप देखिए कि जिंदगी में हम लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए, होना पड़ता भी है। सो अगर किसी के बारे में आप बताना चाहते हैं कि वो इंजीनियर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, राइट? इसका उल्टा क्या होगा? इमोशनल। तो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रैग्मैटिक होना अच्छी बात है, लेकिन किसी हद तक, फाइन? So you can say, well, my uncle who's an engineer is a very practical man, right? Third word है दोस्तों industrious। Industrious का मतलब है hard working, right? Dr. APJ Abdul Kalam was an industrious personality, right? बहुत मेहनती इंसान थे। So industrious का मतलब है मेहनती, hard working, right? Then fourth one is seasoned। सीजन का मतलब है पका हुआ, तजुर्बेकार आदमी, राइट? सो कोई भी आप इंसान को जानते हैं और वो प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर वो मेहनती है, तो उसके साथ साथ अगर वो सीजन भी है, तो ऑब्वियसली वो आप बहुत अच्छी पिक्चर आप बना रहे हैं उसकी, यू आर पोर्ट्रेइंग अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स मल्टीटास्कर, जो अलग अलग कामों को करने की क्षमता रखता है, उस इंसान को वर्सेटाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वर्सेटाइल, अलग अलग जितने भी शेयर, फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वर्सेटाइल, अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उनको पूरी नजर रख रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो यू कैन से इज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, राइट? सो ये थे 205 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि किसी की शख्सियत को, पर्सनैलिटी को बहुत खूब और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और जो इसके अलावा और वर्ड्स हो सकते हैं वो है जॉवियल, जो मिलनसार है, खुश मिजाज आदमी है, खुश मिजाज, लाइवली है, जॉवियल, राइट? सो यू कैन से माय आंट इज वेरी जॉवियल, राइट? खुश रहती है। देन इज इलेटेड। इलेटेड के और वर्ड्स भी हैं, एक्सेलरेटेड, एक्सुबरेटेड, इसका मतलब है हाई स्पिरिटेड। तो कुछ लोग हाई स्पिरिटेड रहते हैं और रहना भी चाहिए, ऑलराइट? नेक्स्ट वर्ड डियर फ्रेंड्स इज ही इज अ टावरिंग पर्सनैलिटी। द वर्ड इज टावरिंग पर्सनैलिटी। टावरिंग पर्सनैलिटी बहुत ऊंचा कर है, हाइट वाइज नहीं, सोच से बहुत ऊंचा कर है, राइट? सो इज अ टावरिंग पर्सनैलिटी, TOWERING, टावरिंग पर्सनैलिटी, राइट? और कुछ वर्ड्स किसी और इंसान की शख्सियत को बता सकते हैं, जैसे कि ग्रिगेरियस, सोशल इसको बोलते हैं, जो आदमी एक्सट्रोवर्ट है, मिलनसार है, राइट? औरों से मिलना पसंद करता है, उसके लिए वर्ड है ग्रिगेरियस, राइट? और जो दसवां वर्ड है दोस्तों, वो अपने आप में भी एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, वो है कंप्लीट, अकम्प्लिश्ड, एमिनेंट, राइट? रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेबल, ऐसा वर्ड आप बना सकते हैं या लगा सकते हैं, जो आदमी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाता है सोसाइटी में, राइट? और इन सबको एक वर्ड ले सकता है कि रेवरेंट,
राइट, इन सबको एक वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि आदरणीय है, सत्कार के योग्य है, ऑनरेबल है, उसके लिए आप कह सकते हैं रेवरेंट पर्सन, राइट, REVEREN, रेवरेंट मीन्स जो रिस्पेक्टेबल इंसान है, राइट। तो दोस्तों आई एम श्योर ये पांच बहुत पावरफुल वर्ड्स और पांच दूसरे वर्ड्स हैं, ये आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करेंगे। इट इज नॉट अबाउट वर्ड्स, एक्चुअली आप कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।